शर्म की बात है, एक बाबा बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो जीव काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। अरे ओ बाबा, पहले अपना पेट तो किसी काम करके पालिए, आप ही तो मंदिर के पैसा से, लोगों के पैसा से पेट पालते हैं। उस मंदिर में सबसे अधिक दान देने वाला कोई वर्ग है वो पिछड़ा है, दलित है, वंचित समाज के रुपयों से मंदिर की जो पेटियां होती है वो भरती है, और उस वंचित के रुपयों से उस पुजारी के पेट भरता है। सिर्फ राजनीति के लिए रामचरितमानस नहीं बना हुआ है। लिखा कौन है पता है आपको? कौन लिखा है? दुबे जी। तुलसीदास ने लिखा है, दुबे जी ने लिखा है, और दुबे जी भाई लिखा है, जो लिखा है वही ना शिक्षा मंत्री जी पढ़े हैं। वो तो अपना मंत्र नहीं लिख दिए हैं, दुबे जी लिखा है, शिक्षा मंत्री जी ने पढ़ा है, बस मैं गलत किया बोला है बताइए। पहले वो बाबा से बोलते हैं कि बाबा पहले पढ़ लीजिए तभी जाके शिक्षा मंत्री पे आप टिप्पणी करिएगा। दुबे जी, तिवारी जी, झा जी, त्रिपाठी जी, सब वही लिखते हैं ना। ग्रंथ कौन लिखते हैं? लिखे हैं कि कोई रविदास लिखे हैं, कोई राम लिखे हैं, कोई मुसहर लिखे हैं, कोई चमार लिखे हैं, कोई गुवार लिखे हैं, कोई पासवान लिखे हैं, कोई लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे शिक्षा मंत्री आए और अपने पेन से रामचरितमानस में उसमें उल्टा के और लिख दिए और वही बोल दिए? कहाँ से गलत है? अगर शिक्षा मंत्री का बयान अगर गलत है, झूठा है, तो अपने सीट छोड़ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं, रामचरितमानस की किताब है, उस किताब के बारे में एक बयान देते हैं कि उसमें जो ग्रंथ लिखा हुआ है समाज बांटने और नफरत फैलाने वाला है, ये शिक्षा मंत्री के हैं। जब से वो बयान दिए हैं पूरा बिहार में या कहें देश भर में बवाल मच गया है। पटना यूनिवर्सिटी की छात्र हैं प्रिया राज, दीपांकर हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे शिक्षा मंत्री पे। सबसे पहले उनको हम सैल्यूट करते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री है जो नेतृत्व कर रहे हैं बिहार को। इससे पहले भी जितने भी शिक्षा मंत्री आए हैं पढ़े लिखे थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो प्रोफेसर है, वो रिसर्च करके आए हैं और वो पढ़े हैं, और वो जो बयान दिए हैं 100% एकदम 100% एकदम सही दिए हैं, एकदम सही दिए। कहां से गलत है? कहां से गलत है? अगर शिक्षा मंत्री का बयान अगर गलत है, झूठा है, तो अपने सीट छोड़ देंगे। हम बोल रहे हैं ये चीज, सीट छोड़ देंगे। आप उस ग्रंथ को उल्टा के देख लीजिए, रामचरितमानस को उल्टा के अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ राजनीति के लिए रामचरितमानस नहीं बना हुआ है। आप लोग बिना पढ़े हुए आ जाते हैं ये करने के लिए कि कुछ से कुछ। पहले भाई पढ़ लो जाके। पहले वो बाबा से बोलते हैं कि बाबा पहले पढ़ लीजिए तभी जाके शिक्षा मंत्री पे आप टिप्पणी करिएगा। पहले पढ़ते उड़ते तो है नहीं, मंदिर के पैसा से अपना जीवन भरण पोषण करते हैं और बात करते हैं 10 करोड़ की, 10 करोड़ की जीव ला के देंगे शिक्षा मंत्री। वही तो सुन लो भाई, कितनी शर्म की बात है। एक बाबा बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो जीव काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। अरे ओ बाबा, पहले अपना पेट तो किसी काम करके पालिए, आप ही तो मंदिर के पैसा से, लोगों के पैसा से पेट पालते हैं, और आप पैसा लोग शिक्षा मंत्री के देने के बात करते हैं? शर्म करिए। और जिस आप रामचरितमानस की आप बात करते हैं, पहले आप उसको उल्टा के पढ़िए, हर एक पेज करिए। ऐसा नहीं है हमारे शिक्षा मंत्री बोले हैं कि रामचरितमानस गलत है, लेकिन कुछ बातें उसमें हैं जो हम कुछ ग्रंथ जो उसमें है, जो उसमें लिखा गया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे शिक्षा मंत्री आए और अपने पेन से रामचरितमानस में उसमें उल्टा के और लिख दिए और वही बोल दिए? अरे भाई, जो लिखा है वही तो बोल रहे हैं, देख लीजिए। जो लोग नहीं देखे हैं कम से कम उसी बहाने तो ग्रंथ उल्टा लीजिए। अरे वो सुनिए, गांधी के मारने वाले लोग, गांधी के मारने वाले हम आपको बता रहे हैं, वो सुन लीजिए, गांधी के मारने वाले लोग। तुम लोग की मानववादी सोच नहीं चलेगी, और बाबा साहब ने इस मनु स्मृति को, ग्रंथ को जनारे जलाने का काम किया था इसीलिए कि उसमें जो बातें थी उस ग्रंथ में जो हम लोग को आगे बढ़ने का उसमें नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला को अशुद्ध उसमें लिखा गया है। क्या महिला अशुद्ध है? महिला के बिना नहीं देश चल सकता है, नहीं बिहार चल सकता है। आपने महिला को अशुद्ध कहा है, उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है जिस ग्रंथ की आप राजनीति कर रहे हैं। पहले जाके पढ़ लो। आप ही ने कहा है कि ओबीसी, जैसे कि नीच जाति जिसको आप बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, दलित जिसमें उसमें लिखा, अनुसूचित जनजाति जिसको आप बोलते हैं, उनको वो अशुद्ध बोलते हैं कि अगर वो पढ़ लेते तो वो जहरीले हो जाते। बताइए, अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो जहरीले हो जाएंगे? इतना सांप काटने से मानव का जहर फैलता शरीर में, उतना ही अगर कोई दलित या फिर वंचित समाज के लोग पढ़ लेंगे तो उतना ही जहरीले तो कहां से गलत
बोले हैं, कहाँ से गलत बोले, सही बोले हैं, जिसमें वो उसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था इसी के लिए। आज हमारे उसी चीज को हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो उस पर हमें प्राउड फील हो रहा है और बहुत एकदम सारे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र उनके सपोर्ट में हैं। और उनके जीभ काटने की आप बात कर रहे हैं, पहले उस बाबा को बोल दीजिए कि अपना खुद काम करके पेट पाले, मंदिर के पैसा से ये बाबा लोग अपना पेट पालते हैं और हमारे शिक्षा मंत्री को 10 करोड़ की बात करते हैं। शर्म होना चाहिए, हमें प्राउड है अपने शिक्षा मंत्री पे, एकदम प्राउड है, साथ है, एकदम साथ है। आप कैसे देखते हैं दीपांकर? देखिए, एक तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है बहुत ही शिक्षित और पढ़े लिखे हैं, उन्होंने संविधान को पढ़ा है। हाँ। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान को पढ़ा है। वो जो देखिए, जो व्यक्ति संविधान को पढ़ता है वो इस तरह की बातें, गलत बातें कर ही नहीं सकता है। कहा गया, सच कहा गया कि दलित पिछड़ों और महिलाओं को उस शूद्र मतलब तरीकों से देखना, मतलब इज्जत था ही ना उस चीज़ों में। मतलब रामचरितमानस क्या था, जो मतलब जो भगवा वाले लोग हैं जो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री पाकिस्तान चल जाए, शिक्षा मंत्री ये है वो अनपढ़ है, मंदिर में जो लोग पुजारी है वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो भाई पूजा के पैसे से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। जरूर पूजा के पैसे से सब बाबा होते हैं, अच्छे बाबा। बाबा कहाँ है, वही तो बोले जो संविधान को पढ़ा है ना भैया, जो संविधान को पढ़ा है वो भगवान पे और पूजा पाठ की बातों पे विश्वास ही नहीं करेगा। जी हम लोग दलित लोग हैं, हम लोग संविधान को पढ़ने वाले लोग, हम लोग बाबा साहब के पुत्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े हैं संविधान को, हम लोग समझे हैं कि किस तरह से हम लोग समाज में दलितों और पिछड़ों को बांटा गया, हम लोग को किस जगह नहीं दिया गया, हम लोग को एक औधा नहीं था, हम लोग को मंदिर में जाने का एक जगह नहीं था। अगर वो शिक्षा मंत्री अगर इस तरह का बयान बोला है तो सही बोला है, क्योंकि देख लीजिए आप देश में जो भगवा वाले लोग हैं कहाँ है, वही भगवा पहन के लड़की छेड़ते हैं और बात करें लड़की छेड़ते हैं, वही भगवा पहन के करते हैं भाई। आप वहां देख लीजिए कहां पे कर्नाटका के किस देश में, तो हाल ही में कुछ दिन पहले एक ट्रॉल नहीं चला था कि भुड़का वाली नहीं भुड़का पहन के एक लड़की नहीं बोल रही थी, लड़के लोग जा रहे थे जय श्री राम करके, तो लड़कियां भी भुड़का पहन के कह रही थी कि या अल्लाह कर रही थी। तो क्या है, लोग तो वही कर रहे हैं भगवा पहन के, श्री राम वाला भुड़का पहन ली थी नहीं, जय श्री राम के भगवे पहन के लड़कियां छेड़ने का काम होता था, कहाँ है वो लोग। हाँ, तो देखिए जो लोग संविधान के पढ़, बजरंग दल के लोग, बजरंग दल के लोग जो दिया वाले 10 करोड़ रुपया देंगे, देखिए 10 करोड़, देखिए पढ़ा लिखा शिक्षित लोग को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, बात कुछ नहीं उखाड़ सकता है। रहा बात पिछले बार भी कुछ दिन पहले भी चल रहा था चर्चे में, पठान क्या हुआ, वही ना हुआ, उस तरह का ही मूवमेंट आया है, भगवा कलर। हाँ। फिर इस बार भी वही हुआ, शिक्षा मंत्री बयान दिए भाई अपने पढ़े लिखे से, उन्होंने अभी कहा है कि मेरा बयान बहुजनों की हित में है, मैं अपनों बयान से कायम रहूंगा। मुझे गर्व है ऐसे देश के शिक्षा मंत्री है जो पढ़े लिखे है, नहीं तो हाँ बिहार के ऐसे शिक्षा मंत्री है जो पढ़े लिखे है, नहीं तो अभी तक जितने भी है जो नहीं पढ़ा है संविधान को कहाँ से ऐसे बात को बोलेंगे। जी धन्यवाद, आप लोग साथ हैं पूरे, जी हम लोग पूरा बहुजन समाज, पूरा पटना, पूरा अंबेडकर छात्रावास, पूरा शिक्षा मंत्री के साथ, उन्होंने ऐसा बात कहा हम उनके समर्थन में, हम लोग उनके साथ। लिखा कौन है पता है आपको, कौन लिखा है? दुबे जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सब उनको उनका ओरिजिनल नहीं उनका नाम नहीं लेगा, दुबे जी छिपा दिया जाता है, तो उसको हम बोल लेंगे रामचरितमानस दुबे जी ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, दुबे जी ने लिखा है, और दुबे जी भाई लिखा है, जो लिखा है वही ना शिक्षा मंत्री जी पढ़े हैं, वो तो अपना मंत्र नहीं लिख दिए हैं, दुबे जी लिखा है, शिक्षा मंत्री जी ने पढ़ा है, बस मैं गलत क्या बोला है बताइए। हाँ। क्या गलत बोला है, गलत नहीं है, कहाँ से हम लिखे हैं, चंद्रशेखर जी लिखे हैं। हाँ। कि कोई बहुजन अच्छा, तो जो चंद्रशेखर जी सब सारे चीज़ों का उजागर कर रहे हैं कि ग्रंथ गलत है, समाज बांटने का काम करता है, गलत मतलब तोड़ने का काम करता है, इस तरह का जो ग्रंथ है वो गलत है या फिर सही? देखिए ग्रंथ कौन लिखा कौन है, आप ही तो अभी बोले दुबे जी, तो हम बोले वाल्मीकि, दुबे जी, तिवारी जी, झा जी, त्रिपाठी जी, सब ही लिखते हैं ना। हाँ। ग्रंथ कौन लिखते हैं, वही लिखते हैं, लिखे हैं कि कोई रविदास लिखे हैं। हाँ। कोई राम लिखे हैं। हाँ। कोई मुसहर लिखे हैं। हाँ। कोई चमार लिखे हैं। हाँ। कोई गुवार लिखे हैं। हाँ। कोई पासवान लिखे हैं। कोई लिखे हैं सब दुबे जी, पांडे जी, भाई हम नहीं बोल रहे, ये ग्रंथ का लिखा, ग्रंथ कौन लिखा पूछिए, हम नहीं बोल रहे, ग्रंथे बोला है कि हमको लिखने वाला दुबे जी है, तवारी जी है, दुबे दी जी है। अयोध्या वाले बाबा क्या कहिएगा आप, जो 10 करोड़ रुपया देंगे, जो शिक्षा मंत्री का जीभ काट के लाएगा। पहले बात, जितने भी इंडिया में हिंदुस्तान में मंदिर है, उस मंदिर में सबसे अधिक दान देने वाला कोई वर्ग है
वो पिछड़ा है, दलित है और वंचित समाज है। वंचित समाज के रुपयों से मंदिर की जो पेटियां होती है वो भरती है और उस वंचित के रुपयों से उस पुजारी के पेट भरता है। अरे भाई वंचित के रुपयों से? हाँ, हमारे रुपये से। क्या रुपये से? अरे भाई बहुत सारे एग्जांपल, एग्जांपल देंगे तो डिबेट कर ले कोई। कितने मंदिर में जाते हैं हम? बाबा के नगरी जाते हैं देवघर, सबसे अधिक कोई कांवड़ ढोते हैं तो हमारे समाज ढोते हैं। तो भाई हम ना भगवान को मानते हैं, हमसे अधिक कोई उतरे मानता है, हम प्रभु को मानते हैं और वो सब प्रभु का व्यापार करते हैं। अभी पंडित ब्राह्मण बाबा लोग हैं वो मंदिरों में पैसा ठगते हैं। वो तो शिक्षा मंत्री जी खुद ट्वीट करके भी कहे हैं कि माल छापने वाले को तो पेट में दर्द होगा ही। देखिए इस तरह का ट्वीट, हम भगवान में आस्था रखते हैं और वो भगवान पर व्यापार करते हैं। हाँ। यही अंतर है, यही अंतर है। और शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में कोई वंचित समाज को अगर जागरूक करने की, शरद जी के बाद जो पाखंड के खिलाफ बोलने वाले वर्तमान में भी कोई बिहार में नेता है तो श्री चंद्रशेखर जी हैं। इनके बहुजन समाज साथ हैं आप लोग? हम नहीं, पूरा बहुजन के एक एक लोगों को साथ देना पड़ेगा। देना साथ है कि नहीं उनको देना पड़ेगा, अगर नहीं देना पड़ेगा तो वो अपने पेट पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं जैसे 60 साल से मारते आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।